दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें लाखों लोग अपना करियर बनाना और क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही खिलाड़ियों को एक बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कई खिलाड़ी तो ऐसे भी होते हैं जो कि दिन रात एक करके मेहनत करने के बावजूद वो क्रिकेटर नहीं बन पाते। वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, अच्छा खेलते भी हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम बाकी खिलाड़ियों से अलग दिखें और उनसे आगे निकल पाए, ताकि हम भी एक शानदार खिलाड़ी बनकर एक अलग पहचान बना सकें। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे फॉर्मूला के बारे में जानेंगे जो कि आपको जल्दी कोई नहीं बताता और आप बेकार में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो अगर आपको एक क्रिकेटर बनना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाने वाली है। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे दो लाइनें कहना चाहता हूँ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं होता, इरादों के दम पर सफर तय की जाती है। कि यूं ही बैठे बैठे कुछ नहीं होता, इरादों के दम पर सफर तय की जाती है। जज्बा हो अगर कुछ कर गुजरने का, कि अगर जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो पथरीले रास्तों से भी एक दोस्ती सी हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने क्रिकेट करियर को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं, और इन दो बातों में से पहला है स्मार्ट वर्क। दोस्तों, मैंने पहले भी स्मार्ट वर्क पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो वीडियो YouTube से डिलीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया जाए और इस बार कुछ अलग बताया जाए। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि क्रिकेट में मेहनत करना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से ही अगर क्रिकेटर बन जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको लगभग 1 करोड़ बच्चों में से सबसे ऊपर आना है, और उसके लिए आपको सबसे अलग तरीकों से काम करना होगा, और वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि आजकल सभी को ये बताया जाता है कि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन मेहनत करने वाले सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं और खेलता कोई और है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपने एकेडमी ज्वाइन किया है या फिर मैच खेलते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि कोई ना कोई खिलाड़ी ऐसा जरूर होगा जो कि ग्राउंड के बाहर बिल्कुल जीरो है, लेकिन ग्राउंड में जाते ही उसकी एनर्जी लेवल डबल हो जाती है, और जो खिलाड़ी मैदान के बाहर जीरो लग रहा था वो मैच का हीरो बन जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे उस खिलाड़ी को पता है कि उसको अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट कहाँ पर लगाना है। वो फालतू बच्चों की तरह दिखावा नहीं करते, वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं। तो स्मार्ट वर्क के बारे में अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं, तो जब भी आप क्रिकेट में बिगिनर होते हैं और आपको जहां भी मौका मिलता है वहीं खेलना शुरू हो जाते हैं, और यही गलती आप हर साल करते रहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम 4 साल 5 साल 6 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बिगिनर लेवल पर ये सिर्फ चलता है कि आपको जहाँ मौका मिले आप वहाँ खेलिए, लेकिन जब आपको क्रिकेट खेलते 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो जाए तो आपको अपना समय, पैसा, एनर्जी सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो मैच खेलने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या फिर इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। आप जिस टूर्नामेंट में पैसे दे रहे हैं उस टूर्नामेंट को खेलने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, या फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा या नहीं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर ये गलती हम लोग करते हैं कि ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले बात करते हैं हम पैसे की। जैसे कि आप जिस पैसे का फालतू का दिखावा कर रहे हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीदने में उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी पैसे को आप बचाकर एक अच्छा डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन करके अपना फिटनेस लेवल बढ़ा सकते हैं, आप उसी पैसे को आगे के मैचों के लिए सेविंग के रूप में जमा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप पैसे बचा करके रख सकते हैं। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर आपके फादर के पास अनगिनत पैसा है तो आपका क्या कहना। आपको तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, आप जो मर्जी वो कर सकते हो। और अगर रही बात एनर्जी और टाइम की, तो किसी भी काम को करने से पहले आप खुद से एक बार ज़रूर पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। जैसे कि आप पूरा दिन ग्राउंड में बिता रहे हो, लेकिन आप वहाँ पर कर क्या रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पूरा दिन ग्राउंड या नेट में बिताना कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहाँ पर कितना समय 100% कंसंट्रेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं ये मायने रखता है। और मेरी बात माने तो अगर आप हर दिन सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे कुछ नया सीख लें, तो आप गारंटी के साथ एक न एक दिन बड़े लेवल पर जरूर खेलोगे। लेकिन उसके लिए वो आधे घंटे में सीखी गई चीज़ों का कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और यकीन नहीं तो आप सिर्फ 1 हफ्ता इस चीज़ को ट्राई करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइव मारना नहीं आता,
आपके कोच आपको मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं सिखाएंगे, लेकिन अगर वो आपको 15 मिनट ड्राइव मारना सिखा दें और आप उनकी बताई गई बातों को 4 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में ड्राइव मारना सीख सकते हैं और फिर उसके बाद आप पूरे दिन बॉडी को आराम भी दे सकते हैं। पर आप कितनी लगन के साथ वो 4 घंटे बिताते हैं ये भी बहुत ही मायने रखता है। और मैं हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को इसलिए वैल्यू देता हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करके एक हफ्ते में कुछ सीखते हो, तो स्मार्ट वर्क करके वही काम को आप एक दिन में सीख सकते हो। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो हर काम में स्मार्टनेस लाना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ आपको स्मार्ट वर्क के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है सेल्फिश बनो। दोस्तों, क्रिकेट में इतना कंपटीशन है कि आप दूसरों को समय नहीं दे सकते। अगर आपको एक महान खिलाड़ी बनना है तो सिर्फ और सिर्फ खुद को समय देना होगा, खुद को समझना होगा, पूरी दुनिया बाद में। जो समय हम दूसरों को समझाने और समझने में दें, वही समय क्यों ना हम खुद के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि हम खुद को एक अलग बना सकें। और रही बात क्रिकेट की, तो सेलेक्टर ये नहीं देखेंगे कि आप लोगों के साथ कितना फ्रेंडली हो या क्या हो, उनको आपसे कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपका गेम देखेंगे। और आपका गेम तभी बनेगा जब आप सेल्फिश बनकर खुद को समय दोगे और सिर्फ अपने काम पे फोकस करोगे। लोग क्या सोचेंगे ये सब सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि वो भी आपके रिजल्ट का ही वेट करेंगे, उनको भी आपके रिजल्ट से ही मतलब है, बाकी की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना उन लोगों के साथ फ्रेंडली हैं, ये सब बस एक समय के लिए सीमित है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो लोग कहेंगे कि यार तू काम का नहीं है, तो उसके लिए आपको सेल्फिश बनना बहुत ही ज़रूरी है। आज अगर आप सेल्फिश बनते हो, सेल्फिश बन करके खुद के ऊपर मेहनत करते हो, तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया आपके सामने होगी और पूरी दुनिया आपके साथ होगी। तो जब तक आप किसी बड़े लेवल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप खुद के लिए खेलिए, क्योंकि खुद के लिए खेलिएगा तभी आप परफॉर्मेंस कर पाइएगा। और हाँ, एक बात और कि जब भी आप प्रैक्टिस मैच खेलो, तो पहले खुद के परफॉर्मेंस के बारे में सोचो। टीम जीते या ना जीते, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस मैच है, कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है कि वो हार गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैंने कई लड़कों को देखा है कि वो प्रैक्टिस मैच में इतना सीरियस हो जाते हैं कि वो खुद से खुद के ऊपर दबाव डाल देते हैं। अरे भाई, आप प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो, मैच को एंजॉय करो, तभी आप परफॉर्मेंस कर पाओगे। और इसी से आपको प्रेशर हैंडल करने का तरीका भी समझ में आएगा। आप जब खुद के ऊपर दबाव डाल के खुद नर्वस हो जाओगे, तो क्या परफॉर्मेंस कर पाओगे और क्या प्रेशर हैंडल कर पाओगे। तो इसीलिए आप जब भी प्रैक्टिस मैच खेलें, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के खेलें। और एक बात आज से याद कर लीजिए कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो इन दो बातों को आपको फॉलो करना ही होगा। पहला, स्मार्ट वर्क करो, और दूसरा, सेल्फिश बनो। इसमें एक बात और है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि खुद को हमेशा मोटिवेट रखो। और मैं आप सबको मोटिवेट रखने के लिए मैं प्रतिदिन मॉर्निंग मोटिवेशन के रूप में इंस्टाग्राम पे डेली एक पोस्ट डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल खेलेयान को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको इससे भी अच्छा वीडियो देखने को मिलता रहे और आप बहुत कुछ सीख सको और आप बाकी खिलाड़ियों से आगे बढ़ सको। तो मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।